Babe! Let's go. Let's go. Traveling light. This is our traveling light. He wants to know all the gossip. जो भी एयरपोर्ट पे होती है किसी और के बारे में. We are finally. You have to tell about PAR that we need for Hong Kong. Like a little detail about it later. Bed cake now. You're flying? What flight? Air India. Not sponsored. Not sponsored. How are you? Cappuccino lena. I wanted to drink something cold. But I don't think I can because मुझे सर्दी हो रखी है, so I'm just gonna have chilling, working and sipping on our coffees. Got baked vada pav and cappuccino. मेरा और धवल का. मुझे और धवल को ये थियोब्रोमा वाला बेक्ड वड़ा पाव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. दिस वॉज़ वेरी हैंडी एंड नाइस. मैं ये दूसरी बार खा रही थी एंड आई एम लविंग इट. वेल बस मैं कॉफ़ी पी रही थी, धवल अपना काम कर रहा था, मैं ये वड़ा पाव खा रही थी एंड आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग एवरी वन चिलिंग. गाइस आप लोगों ने देखा मैंने वड़ा पाव तो खाया ही, बट आई एम अ टिपिकल गुज्जू. मैंने थेपला भी लाया. थेपला धवल ने बोला है घर से कि मैं ज़रा नहीं खाऊँगा, तो उससे तो मैं ज़रा भी ना दूँ. और उसकी मॉम ने अच्छे से उसके लिए भी पैक किया है, अंडरस्टैंड, बिकॉज ज़्यादा है. मैंने उनको बोला था 3-4 ही पैक करने को. आई हैव लाइक, तो अब मैं कॉफ़ी और थेपला खाऊंगी. फ्लाइट डिलेड है तो सुन के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. अच्छे बोले ना आधा घंटा इट्स डिलेड एंड देन वी हैव अ कनेक्टिंग फ्लाइट जिसमें हमें भागना पड़ेगा. हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था बीच में. और सब स्टाफ को पूछा, उन्होंने बोला हो जाएगा. लेट्स सी हो जाएगा. फाइनली वी आर बोर्डिंग आफ्टर हाफ एन आवर. हम हाफ एन आवर लेट चल रहे हैं. आधे घंटे में. हाँ वो इट्स हैपनिंग. मुझे लगा और थोड़ा डिले होगा. नहीं 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 भाई, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता, बट दिस इज चिल. लाइक हम पहुँच जाएंगे. निकास की दिशा दिखाएंगी आपका नजदीकी आपातकालीन निकास आपकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए. धवल सो भी चुका था और हमें खाना सर्व कर दिया गया था. हम दोनों का अलग अलग डिनर आया था. इस बार दाल मखनी और बिरयानी मिली थी और मुझे सब्जी और राइस मिला था. हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे, भूख भी बड़ी लगी थी. सो लेट्स सी, हम कहीं भी जाते एडवेंचर खत्म नहीं होता. So it's managed. We had paid extra to get emergency exit seats, extra legroom के लिए. We are not getting that now. हम बहुत ज़्यादा excited थे उस चीज़ के लिए, unfortunately अब नहीं पता क्या होगा. So कोलकाता bag number 2 for next 6 hours. Procedure again. Security checking करो. सब कुछ होता है, ऐसा भी होता है. फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो गया, चेक इन हो गया और हम लोग लिटरली भाग रहे हैं बिकॉज गेट बहुत दूर है. 1 बजे की फ्लाइट है, 12:30 हुए हैं और अभी तक हम लोग गेट पे नहीं पहुँचे. आज एडवेंचर हो गया भाई. मैं बीच में तो व्लॉग भी नहीं कर पाई बिकॉज इमिग्रेशन वगैरह पे अलाउड नहीं था. सिक्योरिटी पे हमारे पास बहुत सारे कैमरा आइटम्स थे, निकालना पड़ा. द ऑल इज ऑफ द सुपर मैड. मुझे वॉशरूम जाना है. मैंने सोचा एक बार मैं गेट पर जाके सब देख लेती हूँ, उसके बाद लेट्स गो. धवल आगे जा रहे हैं. हम लोग ऑलमोस्ट फ्लाइट में होने चाहिए थे अभी. इट्स 12:15. फाइनली हमें सीट मिल चुकी है. कैथे पैसिफिक में सीट्स वर अमेजिंग. वी आर जस्ट फ्लाइंग टू हांगकांग और सुबह के 4 बजे थे. इन लोगों ने मुझे खाना सर्व किया था. मुझे जो नींद आ रही थी, बट आई समहाउ फिनिश्ड माय मील एंड इन हांगकांग. थोड़ा लेट पहुंचे जैसे तैसे. फ्लाइट वाज गुड. कैथे पैसिफिक वाज अमेजिंग. या मैंने एक्चुअली फ्लाइट में ये बोला, बताया दैट वी गॉट अपग्रेडेड विद द फ्लाइट ओनली. ऐसा लग गया लाइक यू नो नॉट विद द सीट बट एवरीथिंग वाज गुड. बैक टू द पॉइंट. सो हम लोग यहां से डायरेक्ट जा रहे हैं मकाओ. ओके. और मकाओ जाने के लिए हमें लाइक देयर इज नॉट मच क्लैरिटी. कैसा है कि हम लोग ने इमिग्रेशन फॉर्म भरना चालू कर दिया कस्टम्स वाला. देन आई गॉट टू नो कि वी डोंट हैव टू डू दैट. तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे और डायरेक्ट मकाओ जा रहे हो, इफ यू यूजिंग फ्लाई यू टू मकाओ और यू डोंट हैव टू डू दैट. सीधा प्लेन से बाहर निकलो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर डेस्क E2.
जो E2 लिखा है आपको सिर्फ वो फॉलो करना है. एक E2 यहाँ पे लिखा है, एक वहाँ पे लिखा है. सो लेट्स फॉलो देम एंड लेट्स सी. यस, विल शो यू द जर्नी कितना इजीली हम पहुँच जाते हैं, है ना. लेट्स डू दैट. सो गाइस, ये यहाँ पे आके यू कैन टर्मिनल है. या उसके बाजू में फेरी टर्मिनल है. ओके, वी हैव डिसाइडेड टू गो बाय द बस जो वन टाइम ट्रैवल फ्री है फ्रॉम हांगकांग टू मकाओ. Okay. From Macau to Hong Kong, अगर आप आ रहे हो, that will be your expense. One time travel is free. Is free. हमने बस से जाना decide किया और ये sticker दिया गया हमें Macau का. Yeah. ये हमने लगा दिया यहाँ पे, so that वो लोग के लोग हमें पहचान सके. और हमारा बैगेज डायरेक्टली एयरपोर्ट से बस तक पहुँचाया जाएगा वो लोग की तरफ से. वो लोग की तरफ से. So हमने यहाँ से एक मेट्रो पकड़ के बस स्टेशन जाना है. बस टर्मिनल पे हमारी बैगेज का ये टैग दिखाना है और बैग्स लेके सीधा. इन लोगों ने दो स्टिकर्स दिए जो हमें बैग पे भी लगाने हैं. सो दैट इट्स दो बैग के. या दो स्टिकर्स. या हम लोगों ने सिम कार्ड 60 हांगकांग डॉलर्स से 59 हांगकांग डॉलर्स का 7-Eleven से ही ले लिया है, विच इज कन्वीनियंट. धवल इज जस्ट ट्राइंग, है ना. 7-Eleven आया हांगकांग का फर्स्ट टाइम. 7-Eleven है. आऊंगी मैं वापस, मैं हूँ 6 दिन. गाइज, वी हैव द टिकट्स. हमें इसने जाने भी दिया. हमारी 11:30 की ट्रेन है तो 11 बजे तक वी कैन गो टू द टर्मिनल, है ना. आप लोग जा सकते हैं. हाँ, वी आर नाउ गोइंग. इसलिए हम लोग थोड़ा रुके भी. एंड नाउ इट इज़ द टाइम, 11 बज चुके हैं सुबह के. वी आर गोइंग डाउन राइट डिपार्चर. दिस इज द मेट्रो स्टेशन. वी आर ऑल सेट. वी आर रेस्टरूम गया है जस्ट टू फ्रेशन अप. थेपला इज बैक. मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने बोला थेपला खा लिया जाए. मुझे एक्चुअली कॉफ़ी भी चाहिए थी. यहाँ पे 7-Eleven है भी, बट अभी हम लोग बस में बैठ जाएंगे. आई डोंट थिंक इट्स कन्वीनियंट के मुझे पता नहीं है कि रूल्स वगैरह कैसे हैं कि वी कैन ईट इन दैट बस और नॉट. मैंने बोला इतना फटफट मैं नहीं पी पाऊँगी तो आई माई नॉट टेक इट. अभी बाद में ले लूँगी. इसके सी वो दो बैग्स हमारी है और जो स्टिकर्स हमने यहाँ पर लगाया है वो एग्जैक्ट दो स्टिकर्स हमने हमारी बैग पे भी लगाए. सो दैट वाज लाइक वेरी वेरी कन्वीनियंट. 10 मिनट लगे हम ऊपर आए, मेट्रो पकड़ के ऊपर आए और हमारी बैग्स भी अवेलेबल थी. सो द प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ. आप लोग डेफिनेटली ऑफ कर सकते हो अगर आप लोग को डायरेक्ट हांगकॉन्ग से मकाओ जाना है, दैट टू पेइंग 0 fees. लाइक दिस इज़ फ्री ऑफ चार्ज वन टाइम, एक बार जाना. All the bus looks like this. तो गाइस हम लोग बस में बैठ चुके हैं. We are all set and it was simple, super easy, convenient. Airport से मकाओ जाने तक का रास्ता बहुत ही easy है, बहुत ही आसान है. You just have to follow the instructions. We have showed you everything. Yes. So पूरा डिटेल में ब्लॉग आप लोगों को दिया है. You guys don't forget to subscribe. And yes, you guys have to watch the next vlog because That is one exciting vlog. Yes, we are crossing the world's longest sea bridge, which is from Hong Kong to Macau. It starts now. This is around 55 kilometers. Do check out that vlog. See you. Bye-bye.